खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर लिखने से पहले खुदा खुद आकर पूछे तुझसे, बता बंदे तेरी रजा क्या है। स्टूडेंट्स, सेम यही चीज आपके लिए अप्लाई होती है। आप ठान लो कि आप पढ़ पढ़ के एसएससी का पेपर निकाल दोगे, कि जो आप प्रोवाइड करने वाला खुद आपसे आके पूछे आपको कौन सी जगह पर कौन सी रिक्वायरमेंट है नौकरी की, आपको इनकम टैक्स ऑफिसर चाहिए, आपको एक्साइज चाहिए, आपको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स चाहिए, कहाँ पर आपको ऑफिस चाहिए। इतने डट के पढ़ो कि पेपर में रैंक वन आए, इतना जम के पढ़ो कि पेपर में रैंक वन आए, और जितनी मेहनत आप करोगे ना स्टूडेंट्स, उतनी ही मेहनत हम और हमारी अन अकेडमी की टीम आपके साथ करेगी। आप देख सकते हैं, दीज आर जेन्युइन टीचर्स जिन्हें आपको सिखाना आता है सब कुछ। ठीक है, नेहा मलिक मैम इंग्लिश के लिए, पिंकी शर्मा मैम करंट अफेयर्स के लिए, नीतू ढाका मैम जनरल स्टडीज के लिए, सारे के सारे अपने सब्जेक्ट के मास्टर्स हैं और बहुत ही लाइवली और इंजॉयबल तरीके से अपनी क्लास कंडक्ट करते हैं, ताकि आपका इंटरेस्ट भी बना रहे और आपको सब कुछ समझ आता रहे। स्टूडेंट, सेम इज दैट केस विद दिस टीम। आप देख सकते हैं, दिस इज अ स्टार स्टडेड टीम। सुनील बदौनी सर मैथमेटिक्स के लिए, अभिषेक सरोवा सर मैथ्स के लिए बताता हूँ, सुनील बदौनी सर, पवन राव सर, उमा कांत शर्मा, सारे के सारे अपने सब्जेक्ट्स के धुरंधर हैं। देन अभिषेक सरोवा सर, कासिफ अंसारी सर जनरल स्टडीज के लिए, कासिफ अंसारी सर क्या ताकत लगा के जीएस पढ़ाते हैं, किस तरीके से पढ़ाते हैं, किसी को भी समझ आ जाए, बहुत ही बढ़िया। मोहित क्वात्रा सर रीजनिंग में क्या मतलब जोश दिखाते हैं, कितने सही तरीके से रीजनिंग समझाते हैं। सेम इज द केस विद संदीप रावत सर, और मैं अजय गुलाटी भी पूरा पूरा जोर लगाऊंगा आपको मैथ सिखाने में, क्योंकि आप हमारे साथ लाइव जुड़े होते हैं, तो मुझे पर्सनली आपके साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, और मुझे लगता है कि आपको पेपर पास कराना मेरा धर्म है स्टूडेंट्स। ठीक है, थोड़ा सा अपने बारे में बताया तो स्टूडेंट्स, माय नेम इज अजय गुलाटी, आई एम आई इनकम टैक्स ऑफिसर, प्लस आई एम आल्सो अ कैट क्रैकर, 3 times 100 percentiler इन मैथ्स इन कैट फॉर 3 consecutive years। ठीक है, आई हैव अ टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 12 years, और आप अमेजोन पे जाके देख सकते हैं, मेरी बुक है एडवांस मैथ्स की ब्रह्मास्त्र। आप लिखिए अजय गुलाटी और ब्रह्मास्त्र, तो आपको दिखाई देगा कि ऐसी बुक है जो कि इस वक्त अवेलेबल नहीं है अमेजोन पे, 3-4 दिन में आएगी, बट फिर भी वो अमेजोन की बेस्ट रेटेड बुक है। स्टूडेंट्स, रोज 8 से 9 बजे मैं आपको मैथ्स पढ़ाने आता हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखिए स्टूडेंट्स, एक चीज क्या है कि आप अन अकेडमी पर हमारी टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करिए, हमारी अन अकेडमी की टेलीग्राम ग्रुप ऐड कर लीजिए, टेलीग्राम पे हमारे साथ सब्सक्राइब कर लीजिए, ये लिंक दिया हुआ है, और आप टेलीग्राम ऐप पे हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। इससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी कि कब आपका कौन सा फेवरेट टीचर क्या सब्जेक्ट पढ़ा रहा है, क्या टॉपिक पढ़ा रहा है। स्टूडेंट्स, अगर आपको बहुत अच्छे से तैयारी करनी है, तो आप हमारा अन अकेडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, उसको इंस्टॉल कीजिए, ठीक है, और उसके बाद अपना गोल सिलेक्ट कीजिए एसएससी एग्जाम, और हमारा प्लस कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए। प्लस मॉड्यूल को सब्सक्राइब करने का फायदा ये है स्टूडेंट्स, क्या कि प्लस मॉड्यूल में हमारे आपके सारे के सारे फेवरेट टीचर्स मिलेंगे आपको, जिस भी टीचर, जो भी आपका मैथ्स का नामी गिरामी, इंग्लिश के नामी गिरामी टीचर है, सारे के सारे आपको अन अकेडमी में मिलेंगे। साथ में स्टूडेंट्स क्या मिलेगा, एक डेडिकेटेड डाउट सेशन भी मिलेंगे, आप क्लास के बीच में डाउट्स पूछ सकते हैं, ये भी मिलेगा, पूरा इंटरेक्शन कर सकते हैं अपने एजुकेटर्स के साथ, और आप एक टीचर के लिए सब्सक्राइब करेंगे और स्टूडेंट्स आपको सारा का सारा सब्जेक्ट का पूरा मॉड्यूल मिलेगा, हर टीचर आपको आपकी हेल्प करेगा। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, प्लस पे हमारी क्या क्या चीजें हैं, टेस्ट सीरीज है, आप देख सकते हैं सारी की सारी वाईफाई स्टडी के थ्रू प्रोवाइड कराई जाती है, ये सारे हमारे कोर्सेज हैं, और ये सारे के सारे ऑल दीज ब्रिलियंट एंड एक्सेप्शनल टीचर्स आर देयर टू हेल्प यू, जो पूरा पूरा जोर लगाएंगे आपकी तैयारी कराने में स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको प्लस की सब्सक्रिप्शन लेनी है, जो कि मेरा बहुत ही ऑनेस्ट एडवाइस है कि अन अकेडमी प्लस इस वक्त मार्केट का दी बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइडर है, प्लस मोस्ट कम्पिटेटिव रेट्स हैं, आपको लेना है तो आप मेरा कोड यूज करिए AJA लाइव। आप 1 साल या 2 साल का कोर्स अगर परचेज करते हैं, तो दैट इज फॉर 6,000, 1 साल का 2 साल का है 9,600 रुपीज। ठीक है, पर अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं, तो आपको इमीडिएटली 10% डिस्काउंट मिलेगा स्टूडेंट्स। आप देख सकते हैं स्टूडेंट, 6,000 और 9,600, और अगर आप मेरा कोड अप्लाई करेंगे, तो आपको इमीडिएटली 10% डिस्काउंट के साथ साथ, ये देखिए 5,400 का हो गया, ये 8,600 का हो गया, मैं आपको पर्सनली ब्रह्मास्त्र एडवांस मैथ्स की बुक भेजूंगा, जो कि इस वक्त अमेजोन की दी बेस्ट रेटेड बुक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, पढ़ाई शुरू करते हैं आज के लिए, परसेंटेज का कैलकुलेटिव क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम, मैं आपको बेसिक कंसेप्ट भी सिखाऊंगा और साथ में प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सिखाऊंगा पेपर के लेवल के सारे के सारे। ठीक है, तो आइए स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द क्लास, लेट्स गेट गोइंग, डट के पढ़ो, जम के पढ़ो, आइए मैं आपको पढ़ाता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट।
तो ठीक है सो इसे डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ सक्सेसिव इंक्रीमेंट्स या सक्सेसिव डिक्रीमेंट्स होता क्या है। मान लो कभी भी ना ये कंसेप्ट कहां ही होता है, मान लो कभी मैं कहता हूँ दो चीजें मल्टीप्लाई होती है, सपोज प्राइस इंटू क्वांटिटी, एक चीज का भाव और उसका कितना लेना है उस, ठीक है वो मुझे क्या देता है, वो मुझे बताता है रेवेन्यू कितना पैसा मिलेगा। तो अब क्या होता है अगर मुझे बताया हो कि ये जो दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही है यानी ये जो दो चीजें गुणा हो रही है, अगर मुझे इनका बता रखा हो इनके बारे में क्या कि इन दोनों में चेंज कितना आ रहा है और मुझसे पूछा है इसमें कितना चेंज आ रहा है, तो हम सक्सेसिव इंक्रीमेंट का यूज करते हैं। मान लो मैं कहता हूं ये जो प्राइस है ठीक है, सपोज मुझे दिया गया ये बढ़ गया 10% और क्वांटिटी बढ़ गई 20%, ठीक है तो फाइनली रेवेन्यू में कितना चेंज आएगा, ठीक है कितना चेंज आएगा या रेवेन्यू कितना आएगा ये नहीं बताना होता है, तो हम सक्सेसिव इंक्रीमेंट का यूज करते हैं। और इसको हम दो तरीके से करते हैं डिपेंडिंग कि हमें कौन सा आसान लग रहा है। ठीक है देखिए अगर तो आपको मल्टीप्लीकेशन बहुत अच्छे से आती है, जैसे जिनको 11 और जिनको 10 से लेकर 20 के टेबल आते हैं ना वो ये काम मल्टीप्लाई करके बड़े आराम से कर लेंगे, वरना एक सक्सेसिव इंक्रीमेंट का फॉर्मूला होता है। मैं आपको दोनों चीजें करके दिखाता हूँ। देखिए अगर मैं बोलता हूँ कोई चीज 10% बढ़ गई और 20% बढ़ गई तो मुझे बताना रेवेन्यू में चेंज कितना आया। देखो मान लो मैं कहता हूँ इनिशियली, ठीक है इनिशियली क्या था प्राइस इंटू क्वांटिटी इज इक्वल टू रेवेन्यू, मान लो ये भी 100 रुपए और या 10 10 रुपए ले लो एक बार, ये भी 10 रुपए 10 रुपीज ये भी 10 रुपीज, तो रेवेन्यू कितना था 100 आ गया। ठीक है अब क्या है प्राइस बढ़ गया 10%, 10% मतलब कहते हैं 1/10, 10% क्या होता है 1/10, तो ये कितना बढ़ गया 1/10, तो ये हो गया ये P1 है ये Q1 है और ये R1 है सपोज, तो ये बढ़ गया 10%, तो ये हो गया 11, Q1 कितना हो गया 20% बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ गई 20%, ठीक है तो ये कितना हो गया ये हो गया 12, तो फाइनली ये कितना आ गया 132। 100 रुपए की चीज 132 में जाके पड़ी तो मैं ये बोल सकता हूं क्या कि चेंज कितना आ गया, चेंज हो गया डायरेक्टली चेंज हो गया 32%। एक तो ये तरीका हो गया सोच सो करने का। ठीक है अगला चीज क्या है, अगला है इसको करने का फॉर्मूला। अब फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट देखिए फॉर्मूला क्या है, ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100। ए होता पहला चेंज बी होता दूसरा चेंज, तो पहला चेंज कितना हुआ 10, दूसरा चेंज कितना हुआ 20 प्लस ए इंटू बी बाय 100, ये कितना हो गया 10 प्लस 20 10 प्लस 20 प्लस 2 यानी क्या 32% इंक्रीज। ठीक है स्टूडेंट जिन अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन अच्छी है तो आप ये वाला मेथड अप्लाई कीजिए, अगर आपकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी कम फास्ट है तो आप ये वाला मेथड अप्लाई कीजिए। ठीक है अब देखिए मान लीजिए इसी में और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो मैं मान लीजिए कहता हूँ कि घर का खर्चा चल रहा है एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो एक्सपेंडिचर डिपेंड करता है प्राइस और क्वांटिटी पे, तो मैं कहता हूँ जैसे शुगर की बात करते हैं, शुगर का जो प्राइस है वो लेट्स से वो क्या हो गया 10% बढ़ गया। ठीक है अब जब ये 10% बढ़ गया तो मैंने क्या सोचा कि मैं अपनी कंजम्पशन थोड़ी कम कर लेता हूँ। ठीक है तो जो क्वांटिटी थी वो मेरे लिए, वो क्वांटिटी स्टूडेंट कितने कर दी, सपोज कर रहे हो वो क्वांटिटी मैंने कम कर दी, ये क्वांटिटी मान लो मैंने कम कर दी क्या 20% कम कर दी, तो अब मेरा फाइनल एक्सपेंडिचर कितना हुआ। ये फाइनल एक्सपेंडिचर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, दो मेथड है मेरे पास, दो क्या देखिए दो, एक तो अगर मुझे मल्टीप्लाई करना आता है तो आसान है, और मुझे मल्टीप्लाई नहीं करना तो ए प्लस बी वाला, पहले मल्टीप्लाई सिखाता हूं। देखो एक चीज हो गई 10 से बढ़कर हो गई, मान लो पहले 100% खर्चा था मेरा, ये चीज जो 10 से बढ़कर 11 हो गई, 10% बढ़ गया 11 हो गया, ये पहले था ये भी 10 मान लो ये भी 10, तो टोटल मेरा एक्सपेंडिचर था 100, अब ये 10 से बढ़कर 11 हो गई, ये 10 से कम होकर 8 हो गई, तो 11 × 8 88, तो मैं सीधा कह सकता हूं क्या 11 × 8 ये कितना आ गया 88। इनिशियली क्या था, इनिशियली था 10 × 10 यानी 100, अब नाउ ये क्या हो गया 11 × 8 88, तो क्या हो गया डिक्रीज बाय 12%। एक तो ये तरीका हो गया, दूसरा जिनको ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 करना है वो क्या करेंगे, वो करेंगे देखिए ए कितना है, ए है यहां पर 10%, बी क्या है कम हुआ है तो लिखेंगे -20%, तो ये क्या हो गया ए, पहले मैं फॉर्मूला लिख दूं, देखिए ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100,
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ए क्या है, ए है प्लस 20, बी कितना है माइनस 20, प्लस ए बी ए इंटू बी बाय 100, ये कितना आ जाएगा, जाएगा 10 माइनस 20 यानी -10, और ये 2 0 2 0 कट गया -2, ये कितना आ गया इज इक्वल टू -12%। तो दोनों केसेस में आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स हमारा आंसर बिल्कुल सेम आ रहा है। ठीक है, आप इस पेज पर क्वेश्चन करते हैं और बिल्कुल जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लेंगे बहुत तेज स्पीड पर। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स क्या फटाफट स्पीड से निकलेंगे। हमारा फॉर्मूला है ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, प्राइस बढ़ा 12%, सेल कम होगी उस वजह से 5%। तो देखते हैं फाइनल चेंज क्या आया, हम फॉर्मूला लगाते हैं ए प्लस बी, इधर ए कितना है देखिए हमारा मूल्य की वृद्धि होगी 12% और सेल में गिरावट, बिक्री में गिरावट कितनी होगी -5%, प्लस ए बी बाय 100, ये कितना हो गया 12 माइनस 5 7, और यहां पर क्या हो गया 60, -60। ठीक है, 7 माइनस 0.6, तो ये कितना आ गया +6.4 आ गया। तो +6.4% मतलब इनकम इंक्रीजेस बाय 6.4%। ठीक है स्टूडेंट, मैंने गलती से ये कर दिया, इसको हटा दो, इनकम इंक्रीजेस बाय 6.4%। अगला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट। If the price of an article is increased by 60% and its sale is increased by 60% and its sale is decreased by 15%, then what will be the effect on the income? देखिए students, हमें बोला A कितना है यहाँ पर, मूल्य वृद्धि कितनी हुई 16%, बिक्री में गिरावट कितनी आ गई, B आ गया -15%। तो सीधा फॉर्मूला लगा दूँ A plus B प्लस ए बी अपॉन में 100, ये कितना हो गया 16 माइनस 5 1, और ये कितना आ गया 240 यानी 2.4 -2.4, ये कितना आ गया, ये आ गया -1.4% डिक्रीज। कोई है ऐसा, इनकम डिक्रीजेस बाय 1.4%, कौन सी ऑप्शन होगी, ऑप्शन ए मेरा आंसर हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं फटाफट। ठीक है, अभी दो ही ऑप्शन दिख रही है, अब अगला देखते हैं। हमें बोला है प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 5%, मूल्य में वृद्धि हुई 5%, ये हो गया ए। अब सेल डिक्रीज बाय 16% 16%, बिक्री में 16% की कमी हुई, तो बी हो गया -16%। फॉर्मूला लगा दू ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, ये कितना हो गया -11, और -0.8, ये कितना हो गया, ये हो गया -11.8%। ठीक है, तो इनकम डिक्रीजेस बाय 11.8%, ये हमारा आंसर हो गया। सभी को क्लियर है स्टूडेंट्स, आई होप सबको क्लियर होगा। ठीक है, सो सब इसी कंसेप्ट पे थोड़े अलग टाइप के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या अब हमसे पूछा कुछ और जाएगा, प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड एज अ रिजल्ट इट्स कंजम्पशन इज डिक्रीज्ड बाय 30%, फाइंड द रेशियो ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर टू दैट ऑफ इनिशियल एक्सपेंडिचर। पहले डायरेक्ट मल्टीप्लाई से देखते हैं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई से कहता है अगर प्राइस इनटू क्वांटिटी, मान लो ये दोनों 10 10 थे, तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना था 100 था। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, अब इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, इस केस में हमारे पास हो जाएगा, आप देखिए हमें बोला है क्या कि प्राइस इंक्रीज बाय 20%, तो प्राइस 10 से बढ़कर 12 हो गया एंड कंजम्पशन डिक्रीज, जो क्वांटिटी जो हमने खपत की वो कितनी होगी 30% कम होगी, 10 से 30% कम हो गया 60 हो गई, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 84। हमें ये बताना है ये पहले था और ये अब है, न्यू इज टू ओल्ड का रेशियो बताना है, यानी क्या 84 इज टू 100, इसको अगर आप 100 से काटोगे, इसको अगर आप 100 से काटोगे, 4 से काटोगे, तो ये क्या आएगा 21 इज टू 25, ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। एक तरीका तो ये होगा स्टूडेंट्स, दूसरा मेथड क्या था, अगर आप चेंज निकालते हो, परसेंटेज चेंज निकालते हो इस क्वेश्चन में, तो वो क्या है ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, ए कितना है हमारा +20, बी कितना है -30, प्लस ए बी बाय 100 यानी 20 इंटू -30 बाय 100, ये कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये आ गया -10 और -6 यानी क्या आ गया -16%, मतलब
न्यू प्राइस कितना हो गया, न्यू हमारा न्यू एक्सपेंडिचर कितना हो गया, हमारा न्यू एक्सपेंडिचर हो गया 84, पहले ये कितना था, पहले था 100, तो फिर 84 और 100 का रेशियो 20 का रेशियो 25। मुझे इस केस में ये मेथड ज्यादा बेटर लगेगा, मेरे को तो खैर मल्टीप्लाई का ही मेथड बढ़िया लगता है। मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप कैलकुलेशन की प्रैक्टिस स्टूडेंट्स खूब कीजिए, ताकि आप ये मेथड अप्लाई कर पाए, इससे डायरेक्ट रिजल्ट जल्दी आ जाएगा आपको। ठीक है, द रिटेल प्राइस ऑफ अ टी ब्रांड इज इंक्रीज बाय 10% एंड इट्स कंजम्पशन ऑल्सो इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द रेशियो ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर टू दैट ऑफ इनिशियल एक्सपेंडिचर। मान लो पहले एक्सपेंडिचर कितना था 10, पहले कंजम्पशन कितनी थी 10, तो एक्सपेंडिचर कितना हो गया 100। ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी, और ये है क्या है एक्सपेंडिचर। ये ओल्ड था, अब न्यू क्या है, न्यू प्राइस भी 10% बढ़ गया, क्वांटिटी भी 10% बढ़ गई, तो ये कितना आ गया 121, तो रेशियो क्या हो गया, ये रेशियो हो गया 121:100। क्लियर है स्टूडेंट सभी को? ठीक है, इसी कंसेप्ट पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगले कंसेप्ट पर मूव करते हैं। द प्राइस ऑफ अ क्वालिटी ऑफ शुगर इज डिक्रीज बाय 40% एंड इट्स कंजम्पशन ऑल्सो डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द रेशियो ऑफ न्यू एक्सपेंडिचर टू दैट ऑफ इनिशियल एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्राइस इनटू क्वांटिटी, ये होता है एक्सपेंडिचर। पहले क्या था स्टूडेंट्स हमारे पास, पहले था 10 × 10, ये कितना आया था, ये आया था 100। अब क्या हो रहा है स्टूडेंट्स हमारे पास, प्राइस डिक्रीज बाय 40%, तो प्राइस हो गया 6, क्वांटिटी डिक्रीज बाय 25%। ठीक है, तो ये कितना हो गया 7.5। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई कर लो, ये कितना आ गया 45, तो रेशियो क्या आ गया 45:100। समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स, ये कितना हो गया 9:20, कोई ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा आंसर है। ठीक है, ये कंसेप्ट मैंने पूरी तरह से कवर कर लिया। इसमें ना जैसे ये प्राइस क्वांटिटी, इसमें एरिया पे बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, क्या हमने बोला होगा लेंथ चेंज हो गई, ब्रेथ चेंज हो गई, बताओ एरिया में कितना चेंज आ गया। ये कब यूज होगा, जब कभी भी कोई दो चीज है, मान लो ये दो चीजें मल्टीप्लाई करके ये आता है, ठीक है, हमसे बोला इन दोनों में चेंज आया, तो इसमें कितना चेंज आएगा। आप इसको ऐसे मान सकते हो, थिएटर की टिकट है और टिकट का प्राइस बढ़ गया, तो सेल कितनी हुई, तो टिकट का प्राइस कितना बढ़ा और क्वांटिटी कितनी कम हो गई, इससे सेल पे चेंज आ जाएगा। क्लियर है, लेंथ इतनी बढ़ गई, ब्रेथ इतना कम हो गया, तो एरिया में कितना चेंज आएगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन इस तरीके से हो जाएंगे बड़े आराम से। फैक्ट्री में वर्कर्स है, ठीक है, तनख्वाह हमने क्या करी, तनख्वाह कम कर दी, क्लियर है, तो क्या हुआ, वर्कर भी छोड़ के चले गए, जब तनख्वाह कम होगी वर्कर छोड़ के चले गए, तो दोनों का चेंज आ गया, तो मेरे को बताना कि मेरी जेब से कितना पैसा गया। क्लियर है ना, समझ रहे हो? अच्छा, टैक्स बढ़ गया, अब किसी चीज पे टैक्स बढ़ गया और क्वांटिटी कम हो रही, ठीक है, तो कंजम तो पैसे पे कितना चेंज आया, ये सारे के सारे चीजें इस तरीके से हो जाएंगे स्टूडेंट्स। देखो स्टूडेंट, इसी कंसेप्ट पे बेस और क्वेश्चन कर सकते हैं, ये भी आप दोनों तरीके से कर सकते हो, ये सारे कैलकुलेटिव क्वेश्चन आप जो करा रहा हूँ, पर बहुत बढ़िया तरीके से छोटे तरीके से कराऊंगा। देखिए, कैपेसिटी ऑफ अ सिनेमा हॉल इज डिक्रीज बाय 8%, ठीक है, मान लो एक बार को पहले कोई चीज 100 थी, ठीक है, अब कितनी होगी, वो 92 रह गई। द प्राइस ऑफ अ टिकट इज ऑल्सो डिक्रीज बाय, ये प्राइस मान लो पहले 100 था, अब कितना रह गया 92 रह गया, ठीक है, पहले ये कितना था, पहले ये टोटल था 10,000, 10,000, ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये कितना रहेगा 92 का स्क्वायर, 92 का स्क्वायर निकालने का तरीका सिखाया था, 9200 से कितना छोटा है 8 छोटा है, तो 8 और कम कर दो, ये कितना हो गया 84, उसके बाद 8 का स्क्वायर, ठीक है, 8 का मतलब, तो 8 का स्क्वायर 64, तो ये देखा जाए तो ये कितना कम हो गया, 100 है ये 84.64 है, तो ये क्या हो गया 15.36% कम हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स ये बात, ये लिखा है 10, मतलब अगर ये 100 है तो ये 84.64 हो गया, तो कोई ऑप्शन है 15.36% डिक्रीज, बहुत जल्दी हो जाएगा। आप ए प्लस बी प्लस ए बी से भी कर सकते हो, उससे आप उससे भी आपका डायरेक्टली ये आ जाएगा। देखो क्या पहला चेंज कितना है 8% कम हुआ, दूसरा चेंज भी कितना है 8% कम हुआ, फाइनली वैल्यू कितनी आ जाएगी ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100, ये कितना आ गया, ये आ गया -16 + 0.64, तो ये कितना आ गया -15.36% का चेंज आ गया, इतना डिक्रीज हो गया, ये हो गया एक तरीका। ठीक है, अगला देख लो स्टूडेंट्स इसी टाइप में, ये तो बहुत ही खास क्वेश्चन बन जाएगा। द कैपेसिटी ऑफ सिनेमा हॉल डिक्रीज बाय 12%, प्राइस ऑफ अ टिकट इज आल्सो डिक्रीज बाय 12%, भाई सीटें भी कम हो गई 12% और प्राइस भी कम हो गया 12%, व्हाट इज द चेंज इन द वैल्यू करेक्टिव। स्टूडेंट्स अब ये नंबर में मैंने आपको कैलकुलेशन शॉर्टकट में बहुत बार याद कराया था, अगर आपको याद हो तो देखो, 100 रुपए की टिकट 100 सीट है, तो पहले पैसे आते हैं 10,000 रुपए, अब क्या हुआ टिकट भी हो गई 88 रुपए की और सीटें भी रह गई 88, तो
अब क्या होगा, स्क्वायर 88 का स्क्वायर चाहिए मुझे, 88 का स्क्वायर मैंने आपको याद कराया था क्या 88 का स्क्वायर होता है, 7744, 1 से लेकर 100 तक। वैसे सिर्फ एक ही ऐसा नंबर है जो खुद भी पेयरिंग में है और उसके स्क्वायर में भी पेयरिंग आती है, कैट का क्वेश्चन है ये, रकम आपको याद हो जाएगी। और स्क्वायर निकालना है 88 का शॉर्टकट से, तो वो कैसे निकलेगा, 88 पहले 100 से कितना कम है 12, तो 12 और कम कर दो, 100 88 में से 76 रह गया, फिर 12 का स्क्वायर 144, तो ये कितना आ गया 7744। तो बेसिकली जो चीज़ पहले 100 रुपए की थी अब वो 77.44 की जा गई, तो कितने परसेंट का डिक्रीज हो गया स्टूडेंट्स, ये हो गया 22.56% का डिग्री, इसको आप डायरेक्टली कर सकते हो, या ए प्लस बी प्लस ए बी बाय 100 के बेसिस पर भी कर सकते हो आप स्टूडेंट से, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, ये हो गया -24, उसमें से मैंने कितना माइनस कर दिया स्टूडेंट्स, उसमें से मैंने माइनस कर दिया 1.44 प्लस, तो ये कितना आ गया 22.56%। समझ आता है ना स्टूडेंट, दोनों तरीके से करा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अगला एक क्वेश्चन और देख लो इसी तरीके से, एरिया के क्वेश्चन भी इसी तरीके से हो जाते हैं स्टूडेंट्स। सीटिंग कैपेसिटी अब ये 24% कम हो गई, देखो पहले ये 100 था, ये 100 था, अब ये 76 रह गया, यहाँ सीटें भी 76 रह गई, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, ठीक है। अब ये कितना है, ये है 10,000, इसका स्क्वायर कितना होता है यार, ये मैंने आपको निकाल के दिखाया था, अगर आपको याद है तो, नहीं तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो, 5776। तो डिक्रीज कितने परसेंट का आ गया स्टूडेंट्स, 42.24% का डिक्रीज आ गया, ठीक है ना। अगर ये 100 है और ये 57.76 है, तो डिक्रीज कितना हो गया, 42.24% का डिक्रीज हो गया। क्लियर होगा स्टूडेंट्स आपको, जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स और क्वेश्चन देखते हैं इसी कंसेप्ट पे नई तरीके से। वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 25%, द अदर साइड इज इंक्रीज बाय 15%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। देखो मान लो पहले क्या क्या थी, अगर ए प्लस बी प्लस ए बी बाय फॉर्मूला लगाता हूँ, तो ए कितना है 25, बी कितना है 15, प्लस ए बी बाय सी इंटू 100। स्टूडेंट अब ये मल्टीप्लाई कैसे करोगे, देखो पहले तो ये 40 हो गया, इनको ऐड करो, तो 25 गुणा 15 कैसे करोगे, ये है 20 प्लस 5, ये है 20 माइनस 5, 400 माइनस 25 यानी 375 प्लस 3.75, ये क्या आ गया, ये आ गया 43.75% का इंक्रीज हो गया। क्लियर है सभी जनों को, 43.75% का इंक्रीज हो गया, ये मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। इसी तरीके से वन साइड ऑफ रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 30%, तो ये साइड क्या हो और अदर साइड इज इंक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। मान लो पहले 10 थी, दूसरी भी 10 थी, तो ये मिलकर इनका एरिया कितना आता था, लेंथ ब्रेथ और ये एरिया होता था 100, अब ये होगी 12, ये होगी 13, 12 × 13 का शॉर्टकट सिखाया है 156। और देख लो ये नंबर से ये एक नंबर बड़ा है ना, तो जब दो नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो उसमें एक का फर्क हो, ये कैसे रिजल्ट आएगा, इसका स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा डायरेक्टली 156। तो इंक्रीज कितना हो गया, ये इंक्रीज हो गया, हम सब फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया, तो ये क्या होगा 56% चेंज इन एरिया, 56% इंक्रीज, ठीक है। दो तीन एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें एक में इंक्रीज हो रहा है, एक में डिक्रीज हो रहा है, फिर क्लास खत्म कर दूंगा स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब थोड़े और कैलकुलेटिव क्वेश्चन देख लेते हैं जिनकी कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल रहेगी। वन साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 20% एंड द अदर साइड इज डिक्रीज बाय 50%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। देखो इनिशियली पहले एरिया कितना था, मान लो 100, सपोज मैं कहता हूं लेंथ इनटू ब्रेथ, ये एरिया है आपका, तो पहले ये कहता मान लो कुछ भी ले लो आप, 100 ले लो, मान लो 100 × 100, तो ये एरिया कितना था 10,000। अब इसको जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, जो नया क्वेश्चन है, हमें बोला है एक चीज बढ़ गई 25%, एक चीज कम हो गई 15%, 15% कम हो गई, मुझे ये बताना है, तो ये करने के लिए क्या लिखूंगा स्कूल में, ध्यान से देखिए ये क्या लिखा है यार, मैं इन दोनों के बीच का नंबर ढूंढता हूँ जब मेरे को ये मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों के बीच का नंबर क्या है, वो है 105, इसको लिख सकता हूँ 105 + 20, इसको लिख सकता हूँ 105 - 20, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर तो मुझे पता है 20 का स्क्वायर है, ए स्क्वायर क्या आएगा 105 का स्क्वायर। अब ये 105 का स्क्वायर निकालने का शॉर्टकट क्या है, किसी भी नंबर के अंदर 5 आता 25 लिखिए, 10 को मल्टीप्लाई करो 10 के अगले नंबर से, 10 का अगला नंबर 11, 11 10 × 11 11025 -400। आप इसको लिख लो एक और फिर क्या, ये 1025 में से 400 गया, तो क्या गया
625, तो जो चीज पहले 10,000 थी अब वो बढ़ के कितनी होगी, 10,625। मतलब अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में बात करूं, ठीक है, तो पहले ये अगर 100 था तो अब ये क्या हो गया, 106.25, तो क्या हो गया, 6.25% का इंक्रीज है। ऐसी कोई ऑप्शन है 6.25% का इंक्रीज है, ये मेरा आंसर हो गया। इसी बेसिस पर एक और क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, कुछ बढ़ रहा है कुछ कम हो रहा है, फाइनली क्या रिजल्ट आ रहा है। पहले मान लो लेंथ और ब्रेथ सेम क्वेश्चन एरिया बेस्ड है, पहले ये 100 था, ये भी 100 था, ये कितना आ गया 10,000। रेक्टेंगल की एक साइड को बढ़ा दिया 15%, ये हो गया 115, 15% बढ़ा दिया। अदर साइड इज डिक्रीज बाय 5%, तो ये हो गया 95। क्लियर है स्टूडेंट्स, फाइनल चेंज बताना है। इसको करने के लिए मैं कैसे एग्जीक्यूट करूंगा, इसको लिखता हूँ 100 + 5, इसको लिखता हूँ 100 - 5, तो ये क्या हो गया 100 का स्क्वायर - 5 का स्क्वायर, यानी ये क्या हो गया। सुन से एक चीज लिखने में गलत कर दी, 115 और ये 95 है, ये सॉरी इट्स माय मिस्टेक, इसको मैं ठीक कर देता हूँ, ठीक है। तो इसे लिखूंगा 105 + 10, 105 - 10, ये क्या हो गया a² - b² 105 का स्क्वायर कैसे आएगा, 105 का स्क्वायर आएगा, पहले तो 5 है तो 25 लिख दिया। 10 को मल्टीप्लाई करो 11 से, 10 को मल्टीप्लाई करो 11 से, तो 11025। अब ये कितना हो गया स्टूडेंट्स, इसको आप ऐसे लिखो 1025 में से 100 हटाया, 1025 में से 100 आया तो क्या आ गया 925। तो जो एरिया पहले मेरा 10,000 था अब वो हो गया 10, 9.25, एक तरीके से ये 100 है तो ये इतना हो गया, तो ये क्या हो गया 9.25% का इंक्रीज हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आगे कल लाइक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, अभी के लिए मैं वाइंड अप करता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स अभी के लिए इतना ही, मैं फिर मिलूंगा 9 बजे, और मैं रोज आपसे मिलूंगा 8 बजे और 9 बजे, और इस हफ्ते मैं पूरा परसेंटेजेस खत्म करूंगा। स्टूडेंट्स मेरा आपको ऑनेस्ट एडवाइस है, ढंग से पढ़ाई करो, दिन रात एक कर दो, पेपर एक बारी में पास करके दिखाओ तो मजा है, और हम अनअकैडमी की पूरी टीम आपका हेल्प करेगी। स्टूडेंट्स डट के पढ़ो, जम के पढ़ो, लेट्स क्रैक इट, हमें पेपर पास करना ही करना है। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आए तो प्लीज बेल बटन को क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स अ लॉट, गुड नाइट स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं, ओके बाय।